मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अगर किसी का नाम सबसे बड़ा रहा है तो वह है ब्रूसली। ब्रूसली जैसा ना कभी पैदा हुआ और शायद ना कभी पैदा होगा। वो अभी तक के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माने जाते हैं। हॉलीवुड में उनकी फिल्में बहुत पॉपुलर हुई। जब वे पॉपुलैरिटी के टॉप पर थे तभी अचानक उनकी मृत्यु हो गई। वे सिर्फ 32 साल के थे जब 20 जुलाई 1973 में उनकी मृत्यु हुई। तो वीडियो में आगे जाते हुए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। आइए अब आगे चलते हैं वीडियो में। उन दिनों वे हांगकांग में फिल्म गेम ऑफ डेथ में बिजी थे। ब्रूसली ने सिर में दर्द की शिकायत की। इस पर फिल्म की सह कलाकार बेटी ने उन्हें एक्वाजेसिक नाम का पेन किलर दे दिया। इस पेन किलर में एस्पिरिन और मैप्रोबेमेट नाम के केमिकल होते हैं। यह एक आम पेन किलर ही था। दवा लेने के बाद ब्रूसली अपने कमरे से बाहर नहीं आए। उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ब्रूसली की मौत सेरेब्रल एडेमा नाम की एक बीमारी से हुई। शरीर की इस अवस्था में दिमाग सूज जाता है, दिमाग में पानी भर जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ब्रूसली का दिमाग अपने साधारण आकार से लगभग 13% बड़ा हो गया था। ऐसा भी पता चला कि उनके पेट में कैनाबिस नाम का एक जहर भी था जो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। कई लोगों का यह भी कहना है कि ब्रूसली से कई लोग जलते थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, इसलिए शायद उन्हें किसी ने जानबूझकर मरवा दिया। ब्रूसली को शायद अपनी बीमारी और मौत का पहले से ही अंदेशा था। उनके कुछ करीबियों का कहना है कि ब्रूसली ने उनसे अपने ना रहने की बात की थी। इस प्रकार दुनिया ने ब्रूसली के रूप में महान मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर को खो दिया। ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।